आदिशक्ति माँ दुर्गा पूजा का बिना कन्या पूजा पूर्ण नहीं होता, और इसीलिए कन्या पूजा में हमारे ऋषि मुनियों ने नौ कन्या का पूजा कर की सीख दी है। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि बच्चियों और महिलाओं का सम्मान करना के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना होगा, तो हमारी बच्ची महिलाएं सुरक्षित रहें, तभी जाकर ये जो दुर्गा पूजा का पर्व हम मनाते हैं, शक्ति का पर्व मनाते हैं, तभी संपन्न होगा जब हम कन्याओं और बच्चियों का सम्मान करें, उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इसीलिए सदियों से शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या पूजा की परंपरा चली आ रही है, ताकि हमारी आदि शक्ति जगत जननी जो हमें सिखाया है कि बच्चियों महिलाओं का सम्मान करना। तो अयोध्या मंदिर में मैं हर वर्ष मैं यहाँ के पंडित जी, यहाँ के सभी पदाधिकारी का बहुत आभार हूँ कि प्रत्येक वर्ष मैं अयोध्या मंदिर जो वर्षों से यहाँ बहुत विधिवत रूप से पूजा होती है और कन्या की पूजा अष्टमी के दिन करके ये संदेश देने का काम पूरे देश में करते हैं। सर क्या कामना की है, कामना क्या की है आज देश के लिए? मैं देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आज कन्या पूजा के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने बच्चियों और महिलाओं का सम्मान करें और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि माँ दुर्गा ही सृष्टि के पालनहर्ता है, नारी शक्ति ही सृष्टि की जननी है। हमें सम्मान करना चाहिए, उसके सुरक्षा देना चाहिए और